फाइनली आज हम जा रहे हैं अक्षरधाम, जो कि मेरा काफ़ी टाइम से मन था। एक्साइटमेंट देख रहे हो? गुड। हमारी कैब आ गई थी और हम कैब में बैठ गए थे, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत चुभ रहा था आँखों में बाहर देखने पे, इतनी ज़्यादा धूप थी। काफ़ी एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैं अक्षरधाम गई थी बट मैंने शो नहीं देखा था, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कैसा होगा। सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है। बाकी मैं इंतज़ार कर रही थी जल्दी से पहुँचे, फिर फाइनली हम पहुँच गए और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा रश होगा। देख सकते हो अब गाड़ियाँ कैसी लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, और धूप तो भाई बहुत बुरी वाली धूप थी, बट अंदर इतनी गर्मी नहीं थी। यहाँ पे हम दोनों जा रहे थे अपना सामान सबमिट करवाने के लिए। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं टेंपल। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं अक्षरधाम टेंपल। आप रश देख सकते हो, कितना ज़्यादा रश है। बाकी अंदर देखते हैं, बाहर बहुत भीड़ थी, अंदर भी शायद। फिर अक्षरधाम में सब कुछ सबमिट हो गया था हमारा। फिर हम गए थे डिनर के लिए हल्दीराम, वहाँ पे ये काफ़ी प्यारे प्यारे मुझे क्रंचीज और क्लचर्स दिखे थे, तो मैंने अपने लिए कुछ बाय किया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड रीज़नेबल प्राइस पे था, 50 रुपीज़ ईच। तो मैंने ऐसे दो लिए क्रंचीज। उसके बाद हम हल्दीराम पहुँचे और फिर वेट कर रही थी, बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी मुझे, हम वेट कर रहे थे जल्दी से हमने जो मंगाया वो आए। हमने मंगाई राज कचौड़ी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हम दोनों ने इसको इन्जॉय किया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी वहाँ पे शो देखते देखते। गाइस, जो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं, जिन्होंने शो नहीं देखा है, ज़रूर ज़रूर जाके देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। और अपने आपके बच्चे हैं तो उनको ज़रूर लेके जाना, बच्चों को बहुत कुछ वहाँ पे आप सीखते हो, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, पहले के टाइम में क्या था नहीं था सब कुछ। तो बहुत इन्जॉय किया हमने। फिर हमारा आया डिनर, उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए। काफ़ी तेज़ से भूख लगी हुई थी और हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए, तो ये रही कुछ पिक्चर्स। बाय गाइस, लव यू।